आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, इसके अलावा व्यापार जगत और टेक्नोलॉजी से जुड़ी आज की बड़ी खबरों की। इसके अलावा बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया यानी पबजी गेम खेलने वाले लोगों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने, बताएंगे आपको आगे अपडेट में। इसके अलावा बैंक खाताधारकों के लिए बड़ी खबर बदल गए हैं बैंक में पैसे जमा कराने और निकालने के नियम, क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे अपडेट में। इसके अलावा किसानों के लिए खुशखबरी, सरकारी दफ्तरों के अब चक्कर काटने से बच जाएंगे किसान, सरकार लॉन्च कर रही है खास पोर्टल, क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे अपडेट में। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बताएंगे आपको एक एक करके अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है गतिशक्ति संचार पोर्टल, अब मंजूरी मिलने में आएगी तेजी। देश के दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को गतिशक्ति संचार पोर्टल का उद्घाटन करते हुए कहा कि इसे फाइबर लाइन बिछाने तथा टावर लगाने की जो मंजूरी है वो जल्द मिलने के साथ ही सैटेलाइट भी यहां पर हो जाएंगे और आगामी 5G सेवा भी यहां पर जल्द शुरू हो सकेगी। वैष्णव ने यह भी कहा कि राइट ऑफ वे यानी राइट टू वे व्यवस्था को यहाँ पर दिसंबर तक कानून समर्थन यहाँ पर मिल जाएगा। वह गतिशक्ति संचार पोर्टल से सैटेलाइट और यहाँ पर RONW की जो मंजूरी सुविधा है वो मिलने लगेगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो पंजाब नेशनल बैंक खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, धोखाधड़ी का शिकार होने पर इस तरह करें शिकायत। देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचना इस बारे में जानकारी दी। दरअसल पंजाब नेशनल बैंक ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ग्राहकों को सावधान यहां पर किया है, साथ ही से जुड़ी कुछ खास जानकारी ग्राहकों के साथ शेयर की है। बैंक ने ऐसे किसी भी मामले को तुरंत यहां पर ऐसा कोई भी मामला फ्रॉड आने पर तुरंत अपनी शिकायत दर्ज कराने की सलाह यहां पर पंजाब नेशनल बैंक ने दी है। दरअसल पंजाब नेशनल बैंक ने ट्विटर अकाउंट के जरिए बताया है कि अगर आप भी साइबर अपराधी आपको यहाँ पर फिशिंग के जरिए फंसाने की अगर कोई भी आपको कोशिश करता है तो ऐसी कंडीशन में आप साइबर क्राइम की वेबसाइट जो है crimecyber.gov.in पर जाकर शिकायत करवाना आपको चाहिए। इसके अलावा आप साइबर क्राइम के जो हेल्पलाइन नंबर है 1930 इस पर कॉल करके भी शिकायत यहाँ पर तुरंत दर्ज करवा सकते हैं। वही ठग नए नए तरीकों से आजकल लोगों को यहाँ पर शिकार बनाते हैं। वह साइबर ठग आजकल ग्राहकों को बैंक से जुड़े लुभावने ऑफर्स देकर उनके बैंक अकाउंट को खाली कर देते हैं। ऐसे में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को चेतावनी दी और कहा कि बैंक से जुड़े किसी भी धोखाधड़ी के मामले में तुरंत अपनी शिकायत दर्ज करें। ऐसे में आपको साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए निजी जो जानकारी है कभी किसी के साथ आपको शेयर यहाँ पर नहीं करना चाहिए, यानी जो आपकी कोई भी निजी जानकारी किसी के साथ आपको शेयर नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा किसी भी ऑफर के लिंक पर क्लिक करने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी जरूर जुटा देनी चाहिए, ये बैंक की ओर से कहा गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, सरकार ने किसानों को दी है बड़ी राहत, 31 मई तक बड़ी है गेहूं खरीद की प्रक्रिया। केंद्र सरकार ने गेहूं की खरीद की तारीख को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। दरअसल केंद्र सरकार के इस फैसले से देश के किसानों को बड़ी राहत मिली है। वह किसानों को परेशानियों से बचाने के लिए सरकार की तरफ से यह कदम उठाया गया। वह सरकार ने इसके साथ ही भारतीय खाद्य निगम को केंद्रीय पोल के तहत गेहूं की खरीद को जारी रखने का भी निर्देश यहाँ पर दिया है। वह सरकार द्वारा समय सीमा बढ़ाए जाने से किसानों को लाभ होने की उम्मीद है। वह सरकार ने खरीद प्रक्रिया को जारी रखने का फैसला राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के अनुरोध को देखते हुए लिया है। वहीं मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात, बिहार और राजस्थान के अंदर यहाँ पर जो रबी सीजन है 2022-23 उसमें केंद्रीय पूल के तहत गेहूँ खरीद सुचारू रूप से यहाँ पर चल रही है। वह इस मामले पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर कहा है कि किसी भी गेहूं किसानों को असुविधा ना हो इसलिए मोदी सरकार ने गेहूं खरीद सीजन को 31 मई 2022 तक के लिए बढ़ा दिया। वह सरकार के इस फैसले से किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। बता दें आपको कि केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू स्तर पर लगातार बढ़ती गेहूँ की कीमतों को संभालने के लिए शनिवार को गेहूँ के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो किसानों के लिए काम की खबर, सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से बच जाएंगे किसान, यूपी सरकार लॉन्च कर रही है खास पोर्टल। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों की सुविधा के लिए खास पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। इस पोर्टल के लॉन्च होने के बाद किसानों को सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। साथ ही इसके लिए एक और फायदा ये भी होगा कि वास्तविक किसान जो है वो इस योजना का लाभ ले पाएंगे, अपात्र व्यक्तियों की पहचान आसानी से हो सकेगी। दरअसल पोर्टल को लॉन्च करने वाली टीम से जुड़ा एक अधिकारी ने यहाँ पर बताया है कि कर्नाटक में जो योजना है पहले से यहाँ पर
ये जो सुविधा है वो मौजूद है इसी तर्ज पर अब हम उत्तर प्रदेश में यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। इससे किसानों का समय और धन दोनों बचेगा। वही योजना जो है योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों को इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वे पंजीकरण के बाद किसानों को एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी जिसका उपयोग कर योजनाओं और सुविधा का लाभ यहाँ पर जो किसान है वो ले सकेंगे। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो बैंक खाताधारकों के लिए बड़ी खबर, बदल गए हैं बैंक से पैसे जमा कराने और निकालने के नियम। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से शुरू की गई जनधन योजना के तहत देश के प्रत्येक नागरिक का बैंक अकाउंट खोलने का प्रयास यहां पर किया गया है। अब बैंक खातों से पैसे निकालने और जमा कराने के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। ऐसे में नए नियमों को सभी जो बैंक खाताधारक है उनके लिए जानना जरूरी है। अगर आपके पास भी किसी बैंक में आपका अकाउंट है तो ये खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी खबर है। दरअसल नया नियम लागू होने के बाद हो सकता है कि आप बैंक में पैसा जमा कराने या फिर निकालने जाए तो आपको किसी मुश्किल का सामना करना पड़ जाए। भाई सरकार की तरफ से यहाँ पर जारी ब्लैक मनी को रोकने के लिए यहाँ पर नए नियम बनाए गए हैं। वह नए नियमों को 26 मई 2022 से यहाँ पर लागू किया जाएगा। अब एक फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख रुपए से ज्यादा जमा कराने या फिर निकालने पर आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड जरूरी सरकार की ओर से कर दिया गया है। इसके अलावा सेविंग अकाउंट खोलने के लिए भी आधार कार्ड और पैन कार्ड को जरूरी कर दिया गया है। वह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि फाइनेंशियल ईयर्स में बैंकों से बड़ी रकम का लेन देन करने पर पैन कार्ड की जो जानकारी है वो देना या फिर आधार की बायोमेट्रिक पुष्टि करना यहाँ पर जरूरी होगा। वही डाकघर में सेविंग अकाउंट खोलने पर भी आपको यही यहाँ पर काम करना होगा, यही नियम यहाँ पर लागू होंगे। बात करते हैं अगली खबर की, तो रोजगार के मोर्चे पर खुशखबरी, अप्रैल में 88 लाख लोगों को मिला है रोजगार। कोरोना महामारी के बाद एक महीने में सबसे ज्यादा नौकरियों का आंकड़ा टूटा। देश में जॉब मार्केट को लेकर खुशखबरी निकलकर सामने आई। दरअसल महामारी की शुरुआत के बाद अप्रैल 2022 में रोजगार बाजार में सबसे ज्यादा तेज विस्तार देखने को मिला है। दरअसल सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMEI के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक अप्रैल में 88 लाख लोगों को यहाँ पर जो 88 लाख लोग है वो रोजगार से जुड़े। हालांकि मांग की तुलना में रोजगार पर्याप्त यहाँ पर नहीं है। वही CMEI के जो आंकड़े हैं इसके अनुसार अप्रैल में भारत में लेबर फोर्स 88 लाख बर से बढ़कर यहाँ पर 43.72 लाख करोड़ पर पहुंच गया है। ये महामारी की शुरुआत के बाद से सबसे ऊंचा आंकड़ा है। मार्च के अंत तक देश में लेबर मार्केट जो है वो 42.84 करोड़ था। वही आंकड़ों के मुताबिक 2021-22 में देश का जो श्रम बल में औसत मासिक वृद्धि 2 लाख रही है। व्यास यहाँ पर जो उनके CEO है CMEI के, उन्होंने कहा है कि लेबर मार्केट की मांग के हिसाब से बदलाव यहाँ पर आता रहता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो 26 मई को पहला बजट पेश करेगी योगी सरकार। 2.0 मुफ्त बिजली, महिलाओं के लिए बस में फ्री यात्रा का हो सकता है ऐलान। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जो है 2.0 वो राज्य मंत्रिमंडल में 26 मई को अपना पहला बजट पेश करेगी। इसके लिए राज्य सरकार 23 मई को अधिसूचना जारी करेगी। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार इस बजट में लोक कल्याण संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने के लिए नई योजना का ऐलान कर सकती है। इस बार का बजट लगभग 6.5 लाख करोड़ का होने का अनुमान है और राज्य के इतिहास में अब तक का ये सबसे बड़ा बजट होगा। बताया जा रहा है कि इस बार बजट में सरकार किसानों के लिए सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली का ऐलान कर सकती है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस बार बजट में सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली का ऐलान कर सकती है, क्योंकि किसानों के हित के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू सरकार कर रही है। वही इस योजनाओं का ऐलान इस बजट में हो सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि पहले से चल रही योजनाओं के लिए भी नई यहाँ पर घोषणाएं बजट में की जा सकती है। असल में BJP ने किसानों के लिए मुफ्त यहाँ पर बिजली का ऐलान चुनाव के दौरान यहाँ पर किया था, यानी ये ऐलान उन्होंने किया था कि मुफ्त बिजली किसानों को दी जाएगी। इसके अलावा आलू प्याज और टमाटर के लिए न्यूनतम मूल्य भी घोषित सरकार कर सकती है। और भी कई तरीके जैसे महिलाओं को यहाँ पर बस में फ्री यात्रा जैसे बड़ा ऐलान भी यहाँ पर सरकार इस बजट में कर सकती है। बात करते हैं अगली खबर की, तो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में आया है नया चेंजिंग अपडेट। नए फीचर के साथ तो मजेदार होगा अब खेल। क्रोप्टोन के स्वामित्व वाले मोबाइल गेमिंग प्लेटफॉर्म बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया ने यूजर्स के लिए एक नया अपडेट लॉन्च किया है। अपने नए अपडेट के साथ ही बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया ने लिविंग का ऑफिशियल वर्जन और कोर सर्कल मोड और कई नए फीचर यहाँ पर पेश किए हैं, जिसमें बेहतर टच कंट्रोल भी शामिल है। वही नया अपडेट जो है वो मई में भारत में यहाँ पर पहली एनिवर्सरी के अवसर पर यहाँ पर लॉन्च किया गया है। वही गेम में इन गेम आइटम्स के साथ पहली एनिवर्सरी लॉबी
और प्लेयर्स के लिए स्किन की जो बिक्री है उसकी सुविधा भी होगी। साथ ही गेमर्स के लिए BGMI का नया अपडेट ऑफिशियल लिविंग मैप का अनावरण भी इसमें किया गया है। नया मैप प्लेयर्स को पहले भी यहाँ पर बेहतर गेम खेलने मतलब पहले से भी जो बेहतर गेम खेलने का एक्सपीरियंस है वो प्रदान करेगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो एफडी कराने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर, RBI ने बदल दी है एफडी से जुड़े नियम, नहीं जाना तो होगा आपको नुकसान। अगर आप भी फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी में समय समय पर निवेश करते रहते हैं तो ये खबर आपके लिए काम की खबर है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI की तरफ से एफडी से जुड़े जो नियम है उसमें बदलाव यहाँ पर कर दिया गया है। नए नियमों को RBI की तरफ से प्रभावी भी यहाँ पर किया जा चुका है। पिछले कुछ दिनों में सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही बैंकों ने FD पर ब्याज दरों में इजाफा किया, इसलिए जरूरी है कि आप FD कराने से पहले यहाँ पर बदले हुए जो नियम है वो जान लें। अगर आपको ये पता नहीं है तो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं, RBI ने फिक्स डिपॉजिट यानी FD के नियमों में यह बदलाव किया है कि मेच्योरिटी पूरी होने के बाद यदि आप जो राशि है उसको आप क्लेम नहीं करते हैं तो आपको इस पर जो ब्याज है वो कम मिलेगा। ये ब्याज FD नहीं बल्कि यहाँ पर सेविंग अकाउंट पर मिलने वाला ब्याज के बराबर आपका होगा। फिलहाल बैंकों की तरफ से 5 से 10 साल वाली FD पर 5% से ज़्यादा ब्याज दिया जाता है, वहीं सेविंग अकाउंट पर ब्याज दरें जो है वो 3 से 4% है। वही पिछले दिनों RBI की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार यदि FD मेच्योर हो जाती है और उस राशि का भुगतान नहीं होता है तो उस पर दावा नहीं किया जाता है, तो उस पर जो ब्याज दर है वो बचत खातों के हिसाब से ही यहाँ पर जो मेच्योर्ड FD है उस पर निर्धारित ब्याज दर जो है वो यहाँ पर कम होगी, वो यहाँ पर मिलेगी। ये नियम सभी कमर्शियल बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंकों, सहकारी बैंकों, स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों की जमा पर लागू ये नियम यहाँ पर होंगे। बतौर उदाहरण के तौर पर अगर आपने 5 साल की मेच्योरिटी वाली FD करवाई है जिसको मेच्योर होने पर आप किसी कारणवश उसका पैसा नहीं निकाल रहे तो ऐसे में 2 परिस्थितियाँ होगी। पहले ये कि अगर आपको FD पर मिल रहा ब्याज सेविंग अकाउंट पर मिल रहे ब्याज से कम है तो आपको FD वाला ब्याज ही मिलेगा। भाई दूसरी परिस्थिति यदि FD पर ब्याज यहाँ पर बचत खाते पर मिल रहा है तो ब्याज ज़्यादा है तो सेविंग अकाउंट पर मिल रहा ब्याज मेच्योरिटी के बाद यहाँ पर मिलेगा।